हाँ तो आइएगा गौर करते हैं मेरे संगीत और सत्संग के प्रेमियों, मेरे भगवत प्रेमियों, बिगड़ी को बनाने वाला तो वो एक परमात्मा है, ईश्वर है, उसके सिवा और कोई भी हमारी लाज बचा नहीं सकता। ये संसार मतलब का है, आपने प्रसंग सुना होगा, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है गज और ग्रह का। जब वो गज यानी हाथी अपने परिवार के साथ में जल क्रीड़ा करने के लिए जल में प्रवेश कर गया, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ में आनंद ले रहा है, जल क्रीड़ा कर रहा है, ऐसे ही हम तुम भी इस संसार में आनंद ले रहे हैं, उस प्रभु को भूल जाते हैं, विषय वासना में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे ही वो गज मस्त था, जैसे ही ग्रह ने उसके पैर को पकड़ा, उसे खींच करके जल में ले जाने लगा, अब तो रो रहा है, चीख रहा है, उसके बीवी बच्चे सभी उसे छोड़ करके चले गए, अकेला रह गया। उसकी जो सूंड थी जो भर ऊपर रह गई, अब उसके सभी सहारे छूट गए। सोचने लगा अब तो इस दुनिया में मेरा कोई भी सहारा नहीं है। अंत बार उसे भगवान की याद आई और भगवान को याद करने लगा, हे प्रभु, आपने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई, आप बड़े ही कृपा निधान हैं, मैं आपकी शरण में हूं, कैसे भी मेरे ऊपर कृपा करो। जब भगवान को बार बार पुकारने लगा है तो भगवान ने उसके ऊपर आकर के कृपा की, यानी उस गज को ग्रह से मुक्त करा दिया। ऐसे ही हम तुम भी संसार में आकर के भूल जाते हैं, संसार को अपना मानते हैं, लेकिन ये संसार जब अंतिम समय आएगा कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। प्यारे सुनिएगा इस भजन के द्वारा क्या बताया है, हाँ गौर करते हैं मेरे भगवत प्रेमी। हमारी बिगड़ी को बनाने वाला कौन है, किस पे हमें भरोसा है? अरे प्यारे दुनिया पर भरोसा मत करना, ये दुनिया तुम्हारे भरोसे को तोड़ देगी। भरोसा करना है तो उस पर करो, मेरे प्रभु पर। क्या बताया है, ध्यान से सुनना शब्द। बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी मेरी बना दे। रात का श्याम तू है, सीता का राम तू है, राधे का श्याम तू है, सीता का राम तू है। अपनी शरण लगा ले बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी बनाने वाले। भक्त भगवान को पुकार रहा है, हे प्रभु आप ही आज मुझे बचा सकते हो। अब मैं कहां पे जाऊं तेरा दर के अलावा, अब मैं कहाँ पे जाऊँ तेरे दर के अलावा। झूठी सारी दुनिया हर ओर है छलावा,
और सनाता जोड़ा तेरे शिवान मैंने किसी और सनाता जोड़ा बहकाने वाले सारे बहकाने वाले सारे पर तेरा नाम न छोड़ा दुनिया बनाने बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी मेरी बना दे। क्या बात है, जय हो। कहने लगा भक्त है प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा मरते दम तक। अरे ये दुनिया में तो छलावा है, परे भी है ये दुनिया, मतलब भी है ये दुनिया। अटकाए कितने रोड़ा फिर भी हार न मानी फिर भी हार न मानी पर तेरा नाम न छोड़ा बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी मेरी बना दे। मेरे प्रभु तुम्हारे बिना मेरा जीवन कैसे कटेगा, तुम ही तो सबके सहारे हो, तुम्हारे बिना मेरा कैसे गुजारा हो। ये संसार वाले रोड़े अटकाते अड़चने लगाते हैं, लेकिन जब आप हो तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिस पे कृपा राम की हुई उस पे कृपा करें सब कोई। खड़ा हूँ कब से मुझको शरण लगा लो, मैं तो खड़ा हूँ कब से मुझको शरण लगा लो, हाँ सबको देने वाले मुझ पे भी नजर डालो, सबको देने वाले मुझ पे भी नजर डालो, घर से मुझे निकाला दुनिया ने मुझको छोड़ा, आ घर से मुझे निकाला पत्नी ने मुझको छोड़ा, कितने मिले ज्ञानी कितने मिले ज्ञानी पर तेरा नाम न छोड़ा अपनी शरण लगा ले, बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी बनाने वाले सीता का राम तू है, राधे का श्याम तू है, सीता का राम तू है, राधे का श्याम तू है, अपनी शरण लगा ले।
बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी बना हाँ। तो मेरे निर्गुड़ी भजनों के प्रेमियों, चलते हैं सत्संग में प्रवेश करते हुए। एक सज्जन कहीं घूमने जा रहे थे, जैसे ही स्टेशन पे पहुंचे, टिकट ले लिया, टिकट लेकर के बैठ गए, इंतजार करने लगे कि गाड़ी कब आएगी। धीमे 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 समय हुआ, गाड़ी निकल गई। अब वो सज्जन पूछने लगे, भैया जो टिकट है वो गाड़ी कब आएगी मेरी। सब भाई समझाने लगे कि भैया जी वो गाड़ी तो निकल गई। पछतावा होने लगा कि इस टिकट का मैं अब क्या करूं। जाकर के स्टेशन पहुंचे, दूसरी बार टिकट को लिया, जाकर के स्टेशन पहुंचे, इंतजार करने लगे। जैसे ही गाड़ी आई वो भी छूट गई। एक भैया से पूछा, भैया ये गाड़ी कब आएगी। तो भैया ने बताया, दादाजी ये तो निकल गई। तो पछतावा होने लगा। इसी तरह मेरे भाइयों, जब ये जीवन खत्म हो जाता है फिर पछतावा होता है कि हमने हरि का भजन नहीं किया, प्रभु का गुणगान नहीं किया। जब ये जीवन खत्म हो जाता है, जब जीने का ढंग आता है, सुनिएगा इस भजन के माध्यम से। गया जब जीने का ढंग आया, वक्त निकल गया जब जीने का ढंग आया। वक्त निकल गया जब जीने का ढंग आया, निकल गया जब जीने का ढंग आया। दीपक बुझ गया तब, दीपक बुझ गया तब, मैं फिल्म में रंग आया। वक्त निकल गया जब जीने का ढंग आया। मुसाफिर गाड़ी निकल गई जब घर से चला।
वाला मुसाफिर मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापस बेरंग आया। वक्त निकल गया जब जीने का ढंग आया। मशीनरी ने ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। तब बूढ़ेपन हर एक पुर्जे में जंग आया। वक्त निकल गया जब जीने का ढंग आया। सुमिरन राम नाम का फुर्सत कभी मिली ना, सुमिरन राम नाम का। उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया। वक्त निकल गया जब जीने का ढंग 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 आया। दीपक बुझ गया तब, दीपक बुझ गया तब, मैं फिल में रंग आया। वक्त निकल गया तब जीने का ढंग आया। वक्त निकल गया तब जीने का ढंग आया। हाँ तो मेरे सत्संग की प्रेमियों, चलते हैं सत्संग में प्रवेश करते हुए। जैसे कि संतों की वाणी, संतों का ज्ञान, जिसने भी संतों का ज्ञान पाया है उनका जीवन धन्य हो गया है। ये हमारा तुम्हारा जीवन एक मोबाइल के रिचार्ज की तरह है। जितने दिन का रिचार्ज है उतने दिन काम करता है, और जिस समय वो रिचार्ज खत्म हो जाता है फिर मोबाइल काम नहीं करता। इसी तरह ये जीवन है, जितने दिन का प्रभु ने हमें दिया है उतने ही दिन इस दुनिया में रहना है, वरना छोड़ करके जाना पड़ेगा भैया।
क्योंकि जिस दिन उसका हुक्म हो जाएगा फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई काम आने वाला नहीं है, ना कोई बेटा ना कोई बेटी, ना कोई यार ना कोई रिश्तेदार, कोई हमें रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जितने दिन के लिए इस दुनिया में आए हैं उतने दिन रह सकते हैं, वरना जाना पड़ेगा। कहते हैं जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सुनिएगा इस भजन के माध्यम से। अभिमान करे ये तन पजरी खा कहे जाएगा, मत अभिमान करे ये तन पजरी खा कहे जाएगा। खाइले पीले मौज उड़ाइले कितने साबुन तेल लगाइले, खाइले पीले मौज उड़ाइले कितने साबुन तेल लगाइले। पुतला माटी को काउ दिन माटी में मिल जाएगा, मत अभिमान करे ये तन पजरी खा कहे जाएगा। जग में जीवन जैसे तेरा, बाग में पंछी करत बसेरा, जग में जीवन जैसे तेरा, बाग में पंछी करत बसेरा। भरम को भोग मिटे, भरम को भोग मिटे काउ दिन हंस विदा है जाएगा, मत अभिमान करे काउ दिन पजरी खा कहे जाएगा।
सबसे मिल के रहो मेरे भाई, करो सत्संग जगत की भलाई, सबसे मिल के रहो मेरे भाई, करो सत्संग जगत की भलाई। भैया कई बेकों काउ दिन अपयस जस रह जाएगो, मते अभिमान करे ये तनु पजरी खा कह जाएगो, मते अभिमान करे ये तन पजरी खा कहे जाएगो, मति अभिमान करे ये तन पजरी खा कहे जाएगो। आइए देखते हैं, बताया जो इंसान जैसी संगत करता है वैसे गुड़ और गुड़ आते हैं। तो लिखा है किसी कवि ने, बड़ा सुंदर भाव दिया है, कैसे है? सत्संग का प्याला पियाना तो पिछड़ जाना, पियो सत्संग का प्याला पियाना तो पिछड़ जाना, कड़ा शासन इंद्रियों पर किया ना तो पिछड़ जाना, पियो सत्संग का प्याला पिया ना तो पिछड़ जाना, किया ना
तो पिछड़ जाना। पियो सत्संग का प्याला, पिया ना तो पिछड़ जाना। मन से स्वयं का चिंतन किया ना तो पिछड़ जाना। यो सत्संग का प्याला, पिया ना तो पिछड़ जाना। सत्य जो बोध बानी का किया ना तो पिछड़ जाना। पियो सत्संग का प्याला, पिया ना तो पिछड़ जाना। नजदीक पद तेरा तजो गुरु बन की संगति को, अभी नजदीक पद तेरा तजो गुरु बन की संगति को। रूप से इस भक्ति का पर्दा किया ना तो पिछड़ जाना। पियो
सत्संग का प्याला पियाना तो पिछड़ जाना, पियो सत्संग का प्याला पियाना तो पिछड़ जाना, पियो सत्संग का प्याला पियाना तो पिछड़ जाना। तो लीजिएगा मेरे संगीत और सत्संग के प्रेमियों, इस सत्संग रूपी गंगा में बड़ी सुंदर बात बताई गई है। साथ ले लो प्रभु, हैं? मैं भी तुम्हारे साथ लग जाऊं तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। लेकिन मेरे सज्जनों, हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए क्या है? सर्वद्रश्येषु विदेव द्रव्यमाहु नूतमम् आहार्यत्वादन् धृत्वादिच्छयात्म उच्च सर्वथा। संसार के रत्नों में विद्या रत्न ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है प्यारे। इसे कोई कभी चुरा नहीं सकता है तथा इसको कोई कभी खरीद भी नहीं सकता है। इसका प्यारे कभी कोई नाश भी नहीं कर सकता है। विद्या जिसके पास होगी ना, है वह नीच को भी राजा के पास पहुंचा दे। विद्या भी दो प्रकार की है, एक शस्त्र विद्या और दूसरी शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या हास्य कराती है और शस्त्र विद्या सम्मान कराती है। प्यारे ध्यान से सुनिएगा। विद्वत्त्वं चन्द्रपत्त्वचम् चनेव तुल्यो कदाचनम् स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इस श्लोक में क्रिया क्या बताया है ध्यान से सुनना। देखिए विद्या का फल वह है कि राजा से भी श्रेष्ठ बना देती है। राजा को तो अपने राज्य में ही मान होता है, सम्मान होता है, पर आपको पता नहीं है प्यारे, एक विद्वान तो सर्वत्र पूजा जाता है, सर्वत्र उसका आदर सम्मान होता है। विद्या में विशेष गुण है, वह विनम्र भाव उत्पन्न करती है प्यारे। विद्या दयाति विनयम् विनयाधाति पात्रता पात्रत्वाद्वनम् माप्नोति धनाद्वनम् ततः सुखम्। प्यारे क्या बताया है, जिसमें नम्र भाव है वही श्रेष्ठ कहलाता है, वह स्थाई भाव है। जो वृक्ष पानी के वेग से नव जाते हैं वह कभी नष्ट नहीं होते, और जो वृक्ष सीधे रहते हैं वह पानी के वेग से उखड़ जाते हैं प्यारे, टूट जाते हैं। जो नवता है उसमें ही समता आदि गुण आते हैं, हैं? वह पात्र कहता है और पात्र होने से ही धनी बन जाता है। मेरे प्यारे आपको पता है जो वृक्ष फल देता है सदैव वही झुकता है, है? झुकता वही है प्यारे, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए जो झुके हैं वो सदैव आगे बढ़े हैं, जो झुक करके चलता है वो सदैव ऊंचाइयों तक जाता है, और जो अकड़ के चलता है
वो सदैव गिर जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इन बातों का विशेष का ध्यान रखना चाहिए। क्या बताया है इस भजन के द्वारा सुनिएगा। एक भक्त प्रभु से कहने लगा, हे प्रभु मुझे अपने साथ ले लो, नहीं तो मैं इस दुनिया में फिसल जाऊंगा और डूब जाऊंगा। और क्या कहता है भजन के द्वारा सुनिएगा। साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगा, साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगा, साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। कहने लगा प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो। और क्या कहने लगा प्रभु से वो भक्त। हो रहा है चिकनी कड़ी पतरीली है, ये कांटों भरी और जहरीली है, हो प्यारे। ये भजन किसी और पर आधारित नहीं, ये हमारे तुम्हारे ऊपर है। जरा ध्यान दीजिएगा, बैठ करके गौर से सुनिएगा। भोग विषयों की उठती ये एक एक लहर, मुझको उलझा डुबाने चली हर पहर। विषयों की उठती है ये एक लहर, मुझको उलझा डुबाने चली हर पहर। दे दो पतवार वरना न तर पाऊंगा, दे दो पतवार वरना न तर पाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है रहती हैं। अगर मैं उलझ गया तो उलझा रह जाऊंगा, मुझे थोड़ा सा सहारा आपका चाहिए। बिना आपकी कृपा के कुछ नहीं हो सकता, बिन सत्संग विवेकन हुई राम कृपा, बिन सुलवन सोई। और क्या दुनिया इस ओर कहती है आ मौज ले, दुनिया इस ओर है आ मौज ले, पर उधर धर्म
बिन तुम